वो द्वापर युग था जब भरी सभा में पांचाली का अस्तित्व पांच पांडवों ने दांव पर लगा दिया था। वो द्यूत युद्ध था। चौसर का वो खेल था जब सम्राट युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ हारकर अंत में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। उस युग में कृष्ण थे तो द्रौपदी का चीर तो बच गया, लेकिन कलयुग की रची इस महाभारत में एक द्रौपदी अपनी इज्जत गंवा बैठी। हार जाने पर जुआ खेलने पर मुझे प्रेरित करते हैं, मारते पीटते हैं, फिर उसके बाद हार जाने पर मुझे बेचने की भी किसी के सौंपने की कोशिश करते हैं। सही सुना आपने, पति जुआ खेलता है और हार जाने पर अपनी अर्धांगिनी को ही बेच डालता है। ये उत्तर प्रदेश के जौनपुर की द्रौपदी की कहानी है, उस द्रौपदी की जिसका चीर साक्षात कान्हा भी नहीं बचा पाया। एक शराबी पति ने पहले अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलना शुरू किया। जब धीरे धीरे वो अपने सारे पैसे हारने लगा और पैसे खत्म हो गए तो उसने उसी को दांव पर लगा दिया जिसके साथ उसने सात फेरे लिए थे। उसके थक हार मार जाने पर मैं अपने मायके अपने पिता के घर रहने लगी। फिर इसके बाद एक दिन आए विदा कराने के लिए, मेरे मम्मी पापा से बोले कि बच्ची को, मेरी पत्नी को विदा कर दो, क्षमा मांगे। मेरे मम्मी पापा उनकी बातों में आ गए, विदा कर दिए। फिर इसके बाद मैं उनके साथ ससुराल निकल पड़े। गांव से गाड़ी निकलते ही ये लोग जफराबाद की तरफ मोड़ लिए, नदी के पहले ही महम्मदपुर, वहीं पर गाड़ी रोक दिए। रोकने के बाद ये लोग अरुण कुमार तिवारी, अनिल प्रजापति और जगदीश प्रसाद तिवारी, ये तीनों लोग गाड़ी में सवार हो गए। मेरे पूछने पर तभी अनिल कुमार तिवारी ने कहा, चुप माधरचोद, आज तक बहुत नखरा थी, बहुत नखरा किया, तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद ये लोगों ने क्या किया, फिर अनिल प्रजापति आए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिए। मैं ना बोल सकी ना मैं एकदम प्रेरित हो गई, ऐसे व्यक्ति जो इंसान कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद ये तीनों लोग मिलकर मेरे साथ बारी बारी तीनों लोग बलात्कार किए। सोचिए, क्या ऐसा इंसान पति कहलाने के लायक भी है? सोचिए वो कितना गिरा हुआ होगा जो अपनी पत्नी को अपने दोस्तों को बलात्कार करने के लिए सौंप दे। जो इंसान 8 महीने पहले अपनी पत्नी को जुए में हारा और फिर महिला के घर से उसे बहाने से लाकर अपने दोस्तों से उसका रेप करवा दे, उसे इंसान कहलाने का तो जरा भी हक नहीं। इस पूरे मामले की शिकायत महिला ने थाने में कर दी है और न्यायालय के आदेश से महिला के पति और दोस्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 504 के खिलाफ जौनपुर पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।